नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व मथुरा कृष्ण जन्मस्थली न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य खराब होने की खबर के बाद अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य लाभ को लेकर हवन पूजन और अनुष्ठान शुरू कर दिया गया है। मनीराम दास छावनी में भी महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान शुरू किया गया है। रामा दल ट्रस्ट में भी 3 दिवसीय रोग नाशक आयुवर्धक मृत संजीवनी महामृत्युंजय जाप के साथ यज्ञ शुरू किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित ककीराम का कहना है कि मनीराम छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास संतों में शिरोमणि हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ महामृत्युंजय जाप व यज्ञ आरंभ किया गया है। महामृत्युंजय रोग नाशक होने के नाते महंत नृत्य गोपाल दास अति शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसी प्रार्थना अयोध्या के सभी मंदिरों में की जा रही है। महंत नृत्य गोपाल दास मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां आज सुबह वह कोरोना संक्रमित पाए गए और हल्के बुखार व सांस को लेकर दिक्कतों के कारण दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या करना चाहिए, आज क्या हो रहा है उनके लिए? देखिए, ये खबर अभी 9 बजे के आसपास सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है कि हमारे संत शिरोमणि और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष असंख्य श्रद्धालुओं के संवाहक नेत्र गोपाल दास जी को कोरोना पॉजिटिव हो गया। सांस लेने में उनको तकलीफ थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तमाम लोग उनके आसपास रहते हैं, तो कहीं से हो गया होगा। और उसके लिए रामादर ट्रस्ट ने प्राणवाच्छी महामृत्युंजय महायज्ञ और अमोघ मृत संजीवनी, जिसका काम है कि रोग नाश करना और जिसके लिए हम करते हैं उसकी रक्षा करना, उसकी आयुर्वृद्धि करना, उसका अनुष्ठान शुरू कर चुके हैं, जो 3 दिन चलेगा। और इस 3 दिन में हमारे संत श्रोमण श्री नित्य गोपाल दास जी स्वस्थ हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।